और अब हम एक खास खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, और वो खबर निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित भी करने वाली है, क्योंकि ये खबर एक नन्ही बच्ची से जुड़ी हुई है। अगर हम आपसे पूछें कि भारत में कुल कितने संसदीय क्षेत्र हैं या फिर विधानसभा क्षेत्र हैं, क्या आपको सभी 545 सांसदों के नाम याद हैं, क्या आप राष्ट्रपति द्वारा नामित 2 सांसदों के नाम बता सकते हैं, तो शायद आप में से कईयों के माथे पर बल पड़ जाएंगे, और इसके बाद या तो आप किताबें टटोलने लगेंगे या फिर गूगल सर्च के भरोसे बैठेंगे। लेकिन आज हम आपसे परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसी नन्ही बच्ची से जो पलक झपकते ही सारे सवालों का जवाब दे सकती है। तो चलिए जरा मिलते हैं गूगल गर्ल नीरजा से। मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस सदानंद गौड़ा। सॉलिसिटर जनरल अंजीत कुमार। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी। नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा। एयर चीफ मार्शल अरुप रहा। डिप्टी स्पीकर लोकसभा तंबी दुरई। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर। अच्छा, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबु नायडू। चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। श्रीरामपुर श्रीरामपुर कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी इज शी राइट? और कुचबिहार रेणुका सिन्हा। रेणुका सिन्हा साइड। नन्ही सी बच्ची नीरजा चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया है, जिस उम्र में बच्चों को कार्टून किरदारों, फास्ट फूड ब्रांड या वीडियो गेम्स में रुचि होती है, वही नन्ही परी नीरजा का पसंदीदा टॉपिक संसद और विधायिका है। इस छोटी सी उम्र में उसे न केवल सभी सांसदों के नाम उनके संसदीय क्षेत्र समेत याद है, बल्कि 2000 से ज्यादा सामान्य ज्ञान से जुड़े सवालों के जवाब भी वो पलक झपकते दे देती है। प्रतिभाएं कहीं भी कभी भी जन्म ले सकती हैं, और वो प्रतिभाएं जो हैं वो किसी भी शक्ल में किसी भी रूप में सामने आ सकती हैं। नन्ही सी नीरजा हैदराबाद में रहती है। हैदराबाद में रहती हो? हाँ। अच्छा, और नन्ही सी नीरजा जो है उसका संसद में इंटरेस्ट है, संसद उसकी पसंद है। संसद देश में कितने सांसद हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये उसे मुंह जबानी याद है। हमने पूछा, आपने पहली बार संसद देखा, कैसा लगा, क्या बनना चाहती हो? क्या बनेंगी आप बड़ी होके? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनना चाहती हैं आप? हमने पूछा कि राष्ट्रपति क्यों बनना चाहती हो, तो हाजिर जवाब नीरजा ने कहा, अभी बनने तो दीजिए। इच्छा क्यों बनना चाहती हैं? गूगल गर्ल की प्रतिभा का पता चला तो हमने भी परखना चाहा। मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस सदानंद गौड़ा। सॉलिसिटर जनरल अंजीत कुमार। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी। नीरजा की जिंदगी में एक अहम किरदार है उसके नाना, जिनके बिना उसकी कहानी अधूरी है। बेहद सामान्य परिवेश से ताल्लुक रखने वाले नीरजा के नाना नारायण गुप्ता पेशे से मुंशी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के आगाज के बाद भरपूर जज्बे के साथ नीरजा के भविष्य को वो संवारने में लग गए हैं। इसके साथ ही उसकी जिंदगी को कामयाबी के सांचे में ढालना भी शुरू कर दिया है। नीरजा के पिता नहीं है, माँ भी अक्सर बीमार रहती है, नाना ही उसे पढ़ाते हैं, स्कूल भी ले जाते हैं। यहाँ तक कि वो अच्छी तरह से पढ़ सके इसके लिए नाना ने 2 महीने तक दिल्ली में हर दरवाजा भी खटखटाया। लेटर तो कोई देता नहीं था, बस आश्वासन देते थे। फिर मैं हिम्मत नहीं आ रहा साहब, मैं इसको लड़के को लेके गुरुद्वारे इधर उधर धर्मशाला इधर उधर घूमता रहा। आखिर को साहब एक दिन आया, मेरे को बुलाए और बुला के बोले कि भाई स्मृति ईरानी जी बुलाएं। हाँ, वो मतलब उनके पीए साहब बुलाए अनिल शर्मा जी, और उन्होंने बोले कि भाई आपका लेटर तैयार है, आप देखो। मंगलवार को पहली बार हैदराबाद से दिल्ली आई गूगल गर्ल नीरजा अपने दिव्यांग नाना के साथ संसद देखने पहुंची। इस दौरान नीरजा ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से भी मुलाकात की। नीरजा के संसद भ्रमण के दौरान पश्चिम बंगाल की जाधवपुर यूनिवर्सिटी के कई छात्र भी संसद देखने पहुंचे थे। ये सभी छात्र यंग पार्लियामेंट प्रतियोगिता जीत कर दिल्ली आए थे। मगर आप खुद देखिए,
कॉलेज के छात्र भी कैसे नन्ही नीरजा के आगे पानी भरते नजर आ रहे हैं। आप यूथ पार्लियामेंट जीत के आए हैं ना? गुड, वी गॉट थर्ड पोजीशन। आपको थर्ड पोजीशन मिली। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 556 आई गेस। 543। नीरजा को आपसे ज्यादा पता है। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? एक तरफ जहां नाना की बूढ़ी आंखों में संतोष है, तो वहीं नीरजा की आंखों में उम्मीद का उजाला। ढलती उम्र के नाना को उम्मीद है कि केंद्रीय विद्यालय में बेहतर पढ़ाई मिली तो नीरजा एक ना एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेगी, साथ ही परिवार का ही नहीं बल्कि मुल्क का भी नाम रोशन करेगी। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। और कमाल है ये नीरजा, लेकिन ऐसी प्रतिभा आपके और हमारे बीच कहीं भी हो सकती है। जरूरत इन्हें पहचानने और संवारने की।